मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास सिक्स इन्वायरमेंट में लेसन नंबर टू ह्यूमंस डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट द प्लांट्स टू इन टर्न डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर वेरियस विजुअल फंक्शंस वन सच फंक्शंस इज पॉलिनेशंस इंसेक्ट्स एंड बटरफ्लाइज विजिट्स फ्लावर्स टू कलेक्ट निक्टर एंड इट टर्न पिकअप पोलिन ग्रेन्स on their bodies these are deposit on other flowers when they visit them dispersion of fruits and seeds are visual of for plants if there is no dispersion new plants will grow near the parent plants and compete for natural resource and nutrients animals play a visual role in their dispersion acting as carriers of the seeds and fruits many seeds have features like sticky adhesive surfaces hooks on surface etc which make the seed stick to the animals accidentally and are carried away too far off place किस प्रकार आपने देखते हैं आपके एनवायरनमेंट में जो बटरफ्लाइज या जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं वो किस तरीके से फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं और उनसे वो मकरंद नामक एक पदार्थ निकलता है यानी कि उसका जो रस होता है वो ले लेते हैं। पौधों को भी विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जानवरों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। एक ऐसा समारोह जिस पॉलिनेशन जो परागण होता है कीट और तितलियाँ पुष्प पर मकरंद एकत्र करने के लिए जाते हैं और बदले में उनके शरीर से जो पिकअप परागण प्राप्त कर लेते हैं। पौधों के लिए फल और बीज महत्वपूर्ण है। अगर फैलाव ना हो तो पौधों के पास नए नए पौधे उगेंगे और प्राकृतिक संसाधनों और जो पोषक तत्वों से उनमें आपस में ही प्रतिस्पर्धा होगी। पशु अपने फैलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सतह आदि के जो हुक जो होते हैं वो अकस्मात यानी कि अचानक ही जानवरों के लिए बीज की जो झड़ी होती है वो बनाते हैं और दूर स्थानों पर ले जाते हैं। अधिकतर पौधों के बीज रसदार स्वादिष्ट और रसीले फलों में अपेडिड होते हैं। जब फल खाने लगते हैं तो वे विभिन्न स्थानों पर बीजों को हम फेंक देते हैं जिसके परिणामस्वरूप वह बिखर जाते हैं।